असलम टुडेज़ लेक्चर थर्टी और सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेफरेंस के बारे में है दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्राम द सी प्लस प्लस परस्पेक्टिव बिकॉज आगे चल के इसने बहुत इस्तेमाल होना है आज हम रेफरेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे इनका इस्तेमाल क्या है और ये तकरीबन पॉइंटर्स की तरह की एक चीज़ है लेकिन पॉइंटर्स और रेफरेंसेस में फ़र्क क्या है और फिर हम इनका एक बिगनिंग वाला यानी एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से इनका इस्तेमाल जो है उसके बारे में बात करेंगे सो लेट्स टॉक अबाउट रेफरेंसेस व्हाट आर दे सी प्लस प्लस एक चीज़ डिफाइन करती है जिससे हम एक किस्म का एलियस या सिनोनिम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप के लिए उस सिनोनिम को हम ये रेफरेंस का नाम देते हैं

रेफरेंस टू एन इंटेजर सो ये रेफरेंस चीज़ क्या है इज अ सिनोनेम यानी एक ही चीज़ के अगर दो नाम देने हों तो उस वक्त हम रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं सो so, रेफरेंस जो है इट हैज़ टू बी इनिशलाइज्ड जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं कि जनाब ये कौन सी चीज़ है जिसका ये भी नाम होगा सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैड एन इंटेजर कॉल्ड जे And you wanted to declare a second name for the same integer. Okay? For the moment we are not going to worry about ki kyun yeargi, like in age will clear hoti jaiagi. So if we had an integer i and we wanted to declare a reference to this integer and call that reference j, we would write something like int and j equal to i semicolon. So reference humne declare kiya or and usko initialize karviya.

और इसमें यही यहाँ से शुरू करते हैं मेन के साथ इंट आई और फिर हम कहते हैं इंट एंड जे इक्वल टू आई सो वीव डिक्लेयरड एन इंटेजर आई एंड जे एज अ रेफरेंस टू एन इंटेजर इनिशलाइज्ड विद द वैल्यू ऑफ आई अब हम कहते हैं आई इज़ इक्वल टू वन टू थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री सी आउट के साथ आप आई की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं वन टू थ्री नज़र आएगी नाउ ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ जे सो वी राइट सी आउट लेस देन लेस देन जे नोटिस मैंने एंड साइन इस्तेमाल नहीं किया दिस इज़ वन पावरफुल फीचर कि जी वो डेक्लेशन के वक्त आपने बता दिया ये रेफरेंस है उसके बाद जहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर आपको फिर से रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट ये रेफरेंस ऑपरेटर नहीं है इट्स मोर लाइक अ रेफरेंस डेक्लेटर ये डिक्लेयर करता है रेफरेंस को इस्तेमाल में हम इसको नहीं लाते सो इफ वी से सी आउट लेस देन लेस देन जे यू विल नोटिस कि वही वैल्यू जो आई को हमने असाइन की थी वो प्रिंट होती है वन टू थ्री वॉट हैपन्स इफ वी इंक्रीमेंट आई हम कहते हैं आई प्लस प्लस और फिर हम यही दोनों लाइने रिपीट करते हैं कि जी आई की वैल्यू प्रिंट करो तो वो कहेगा वन टू फोर नी से सी आउट लेस देन लेस देन जे विल अगेन सी के जी वन टू फोर ही प्रिंट हो रही है यानी आई को इंक्रीमेंट किया तो जे जो है वो खुद ही इंक्रीमेंट हो गया हुआ है वजह दोनों एक ही लोकेशन को तो अपॉइंट कर रहे हैं दे आर बोथ रेफरिंग टू द सेम लोकेशन इन मेमरी जे इज जस्ट एन अदर नेम फॉर आई इसको लेकर हम आगे चलते हैं कि जी इसका क्या फायदा है और कहां पर इस्तेमाल होता है रेफरेंसेस जो हैं ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि दे आर सिनोनिम्स एंड दे आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यू कैन हैव सिनोनिम फॉर एनी डेटा टाइप इन फैक्ट यू कैन हैव अ सिनोनिम फॉर अ क्लास क्लास का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं इस्तेमाल इनका कहाँ पर होता है लेट्स जम्प बैकवर्ड्स अ लिटल बेट इन टाइम एंड गो बैक टू वन ऑफ माई फेवरेट फंक्शन विच वी यूज टू शो यू द यूज़ ऑफ पॉइंटर्स हमने कहा था कि जी एक कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट है कि जी दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करना स्वॉप करना सो so अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक्स और वाई और हम चाहते हैं कि जी एक्स में वाई की वैल्यू आ जाए और वाई में एक्स की वैल्यू चली जाए तो एक तरीका तो है ना कि प्रोग्राम के अंदर ही लिख दिया एक टेम्प्ररी वेरिएबल ले लिया टैम्प उसमें कह दिया टेम्प इज़ इक्वल टू एक्स एक्स इज़ इक्वल टू वाई वाई इज़ इक्वल टू दोनों की वैल्यूज़ इंटरचेंज हो गई अगर हम इसको इस्तेमाल तो करना चाहें इंटरचेंज यानी स्वॉप करना चाहें यूजिंग अ फंक्शन अगर हम बच्चों की तरह ये स्वॉप फंक्शन लिख दें कि स्वॉप एक्स कॉमा वाई और फंक्शन में जाके हम कहें इंट टेम्प टेम्प इज इक्वल टू एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई वाई इज़ इक्वल टू टेम्प एंड ऑफ फंक्शन क्या होगा डू यू रियलाइज क्या होगा मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं होगा वाई द रीज़न इज कॉल बाय वैल्यू सी और सी प्लस प्लस का रूल जो है वो है कॉल बाय वैल्यू सो जब मेन फंक्शन कॉल करता है सॉप एक्स कॉमा वाई तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो हैं वो सॉप फंक्शन को पास कर दी जाती हैं अब उनके साथ स्वाप फंक्शन जो मर्जी करे ऑरिजिनल वेरिएबल्स जो थे हमारे प्रोग्राम में यानी एक्स एंड वाई उनको कुछ नहीं हो रहा सो द दॉप फंक्शन इंटरचेंज द वैल्यूज बट दैट इंटरचेंज वॉज लोकल टू दैट फंक्शन इट डिड नॉट अफेक्ट एनी थिंग इन द मेन ये जब वापस आया मेन में तो ओरिजिनल एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं सो वॉट डिड वी डू वी सेड टू एक्सिक्यूट एन एक्चुअल सॉप फंक्शन वी हैव टू डू अ कॉल बाई रेफरेंस नोटिस उस वक्त भी हमने कॉल बाई रेफरेंस कहा था और आज का टॉपिक ही रेफरेंसेज है कॉल बाय रेफरेंस के लिए हमने क्या किया था हमने कहा था जी अब एक्स और वाई नहीं भेजने सॉप फंक्शन को एक्स और वाई के एड्रेसिज भेजने हैं और एड्रेस के लिए हमने एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल किया था सो नाउ वी इन द मेन फंक्शन वी कॉल्ड स्वॉप एंड एक्स कॉमा एंड वाई वॉट दिस did वॉज एक्स का एड्रेस लो और वाई का एड्रेस लो और अब ये एड्रेसेस जो हैं ये सॉप फंक्शन को भेज दो सॉप फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या थी सॉप फंक्शन नाउ सेट कि जी अब मुझे दो पॉइंटर्स मिल रहे हैं टू इंटेजर्स so उसकी प्रोटोटाइप या उसकी डेफिनेशन वॉज स्वप इंट स्टार आई कॉमा इंट स्टार जे यानी आई एंड जे आर नाउ पॉइंटर्स टू इंटेजर्स उसके बाद हमने उनको मैनिपुलेट किया यूजिंग द स्टार नोटेशन विच इज़ डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर वॉट एवर आई पॉइंट्स टू उसमें जे की जो वॉट एवर जे पॉइंट टू वो वैल्यू डाल दो एंड सो ऑन इट वॉज क्लमजी बट इट वर्क एड्रेसेस भेजे एड्रेसेस से कि जी मेमोरी का एड्रेस हमने भेज दिया है. तो अब आपस में जो मेमोरी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दो जब वो इंटरचेंज करके सॉप फंक्शन मेन फंक्शन में वापस आया तो क्या हुआ क्योंकि हमने मेमोरी में चीज़ें जो लिखी हुई थी उन लोकेशंस को इंटरचेंज किया था तो मेन फंक्शन में भी एक्स और वाई इंटरचेंज हमें मिले बट एज यू विल एग्री दिस नोटेशन ऑफ टेकिंग द एड्रेस एंड देन पासिंग इट टू अ फंक्शन एंड टेलिंग द फंक्शन कि यू आर रिसीविंग पॉइंटर्स और फिर कॉन्स्टेंटली पॉइंटर्स को डी रेफरेंस करना स्टार ऑपरेटर के साथ दिस वॉज क्लमजी एंड नॉट एलिगेंट इसके लिए हम ये रेफरेंस बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर सी हाउ इट इज डन लेट एस डू दैट बाई रीराइटिंग आर स्व फंक्शन टू यूज रेफरेंस अब स्वप फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा जाता है स्वप इंट एंड आई कॉमा इंट एंड जे इस लाइन को आप पढ़ी स्वप इज अ फंक्शन दैट रिसीव्स टू आर्गूमेंट्स आई इज अ रेफरेंस टू एन इंटेजर

i equals j, j equals temp, return यानी फंक्शन खत्म रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है वेन दिस हैपन्स द कॉलिंग फंक्शन इन दिस केस मेन विल ऑटोमेटिकली फाइंड कि जी दो नंबर जो दो इंटेजर हमने स्वॉप को भेजे थे वो आपस में इंटरचेंज हुए हुए लेकिन अभी हमने इसकी बात नहीं की कि जी कॉल करना कैसे है सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्यूटी पहले ब्यूटी ये थी स्वॉप की बॉडी के अंदर हमने आई और जे को ऑर्डनरी आई और जे लिखा कोई एंड नहीं लगाया कोई स्टार नहीं लगाया कुछ नहीं वी ट्रीटेड दैम एज ऑर्डनरी इंटेजर्स बाय नोइंग दैट टू रेफरेंसेज टू इंटेजर्स मेन फंक्शन में यू जस्ट राइट स्वॉप एक्स कॉमा वाई एक्स और वाई अगर इंटेजर्स हैं उसको सिंपली आप लिखते हैं स्वप एक्स कॉमा वाई दैट्स इट इट्स एन ऑर्डनरी कॉल लेकिन फंक्शन जो है वो कहता है मुझे रेफरेंसेस मिल रहे हैं सो so ऑटोमेटिकली वो एड्रेसेस वाला हिस्सा जो है वो बीच में शामिल हो जाता है उनके रेफरेंसेस मिलते हैं विच मीन्स एड्रेसेस टू द ओरिजिनल नंबर्स जहाँ पे भी मेमोरी में पड़े हुए हैं वो ओरिजिनल नंबर्स की लोकेशन यहाँ पर चली गई अब जब इनको हमने फंक्शन के अंदर मैनिपुलेट किया तो ओरिजिनल नंबर्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं सो वेन वी कम बैक वी फाइंड स्वाप हैज़ वर्क दिस इज़ वन ब्यूटिफुल एग्जाम्पल जहां पे वो सारी कम्बर सम जो थी पॉइंटर नोटेशन उसे हमारी जान छूट गई लेकिन कोई डाउनसाइड है अगेन माय फेवरेट फ्रेज नथिंग कम्स फॉर फ्री कोई ना कोई डाउन साइड जरूर होती है इन दिस केस अब मेन फंक्शन को अगर आप पढ़ रहे हों तो उसमें आपको नजर आएगा स्वॉप एक्स कॉमा वाई ये लगेगा कि ये कॉल बाय वैल्यू है बिकॉज दैट इज द रूल फॉर सी एंड सी प्लस प्लस इफ यू कॉल अ फंक्शन और उसको दो इंटीजर वेरिएबल्स पास करते हैं तो इट इज़ अ कॉल बाय वैल्यू सो यू विल हैव टू लुक फॉर द डेफिनेशन ऑफ द स्वॉप फंक्शन टू रियलाइज़ कि ये कॉल बाय वैल्यू नहीं है ये कॉल बाय रेफरेंस हो रही है सो so, एक सेकेंड स्टेप करना पड़ता है अदरवाइज़ प्रोग्राम जो है वो लिखना ज़्यादा आसान है दूसरी चीज़ कि जी यहाँ अगर आप देखें कि अगर आपके पास एक और स्वॉप फंक्शन होता जो के दो इंटिजर्स रिसीव करता तो कैन वी से के जी स्वॉप इंट कॉमा इंट और स्वॉप इंट एंड कॉमा इंट एंड यानी वन फंक्शन रिसीव्स टू इंटिजर्स एंड द अदर फंक्शन रिसीव्स टू रेफरेंसेस टू इंटेजर्स कैन वी डू दैट टाइप्स आर डिफरेंट इफ दे आर डिफरेंट वी कैन ओवरलोड राइट अनफॉर्चुनेटली नॉट क्यों मेन फंक्शन को देखें जो ऑर्डिनरी था स्वॉप इंट कॉमा इंट उसको कॉल करने का तरीका मेन में होगा स्वॉप एक्स कॉमा वाई जो रेफरेंस वाला था उसको कॉल करने का तरीका मैंने अभी बताया वही है स्वॉप एक्स कॉमा वाई हाउ डज द कंपाइलर नो कि जनाब आप ऑर्डिनरी इंटीज़र वाला स्वॉप फंक्शन कॉल कर रहे हैं या रेफरेंस वाला कॉल कर रहे हैं देर इज नो वे फॉर द कंपाइलर टू फाइंड आउट देरफोर देर इज एन एम्बिग्विटी एंड दैट इज़ नॉट अलाउड

लेकिन हम ये ना चाहें कि ओरिजिनल डेटा को कुछ हो दीज सिचुएशंस अराइज वेन वी वॉन्ट टू पास समथिंग लाइक अ लार्ज डेटा स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फंक्शन कॉल एक्सिक्यूट होती कैसे है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं आए इसको ज़रा सा रिकैप करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं सपोज मैं कोई किताब खोली हुई है मैं कुछ पढ़ रहा हूँ पढ़ते है, पढ़ते है, मुझे नज़र आया कि जनाब ये वर्ड कोई स्पेशल आ गया है इसको मुझे लुकअप करना पड़ेगा तो मैं अपना काम वहाँ रोक देता हूँ किताब में कोई मार्कर लगाता हूँ फिर उस लफ्ज़ को ले मैं जाता हूँ एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी की तरफ और वो खोल के उसका डेफिनेशन ढूंढता हूँ वो डेफिनेशन ढूंढने के अंदर मुझे पता चलता है कि जी कोई और मोटा सा लफ्ज आ गया उसकी भी समझ नहीं आई चलो जी वहाँ पे मार्कर लगाओ उस नए लफ्ज़ की डेफिनेशन ढूंढने चले जाओ इवेंचुअली सारे अल्फाज जो मुझे नज़र आए थे उनकी मुझे समझ आ गई तो अब करना क्या हमने वापस जाना है जहाँ पे हमने अपनी ओरिजिनल स्टडी छोड़ी थी वहाँ पे। सो व्हाट आई डू इज़ आई क्लोज़ द लास्ट इन्साइक्लोपीडिया आई क्लोज़ द लास्ट डिक्शनरी आहिस्ता आहिस्ता करके मैं वो चीज़ें साइड पर रखता जा रहा हूँ और इवेंचुअली मुझे वो किताब मिल जाती है जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर मार्कर रखा हुआ था हाँ अब मुझे सारी चीज़ की समझ आ गई एक लफ्ज़ के पीछे हमने काफ़ी सफ़र किया इफ़ यू थिंक अबाउट इट दिस वॉज़ अ फंक्शन कॉल हम एक काम कर रहे थे सडनली हमने एक फंक्शन कॉल किया तो उस काम को रोक दिया और एक्सीक्यूशन कहीं और चली गई और फिर चलते चलते वो जब एक्सीक्यूशन फंक्शन की ख़त्म हुई तो हम वापस आए और ओरिजिनल फंक्शन को लेके आगे चले कंप्यूटर जो हैं यही काम स्टैक के ज़रिए करते हैं सो so, प्रोग्राम जब वापस आता है फंक्शन से उसको मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ पे था और मैंने आगे क्या करना है ये तो सिंपल बात है बुक मार्क लगा दिया एक रेफरेंस रख दिया लेकिन साथ वो डेटा भी सेव करना पड़ता है कि जी सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या थी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहाँ पर था एट्सट्रा दैट्स अ साइड इशू इशू ये है कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया एक लफ्स के लुकअप का सपोज़ वो एक लफ्स नहीं था वो लफ्ज़ जो था वो बजाते ख़ुद एक किताब निकल आई नाव टू लुकअप दैट बुक यानी एक रेफरेंस किताब में आ जाता है ना कि जी सी सो एंड सो बुक अब इस रेफरेंस को ढूंढने के लिए मैं चलूँ और एक और किताब और एक और किताब यानी थिंक अबाउट इट दिस वे कि एक लफ्स को लुकअप मैं करने नहीं जा रहा मैं एक पूरे पैराग्राफ को या एक पूरे ऐसे को लुकअप करने जा रहा हूँ ये किसने कहा था किस कॉन्टेक्सट में कहा था इसका मतलब क्या है बिफोर आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज वॉट आई हैव टू डू इज़

वट आई एम ट्राइंग टू से ये जो चीज़ हमने मेन प्रोग्राम से फंक्शन को पास की वो बजात खुद बहुत बड़ी थी सो देर वॉज अ बिग ओवर हैड इन राइटिंग दैट थिंग आउट इन टू अ टेम्प्रोरी स्पेस इन मेमरी एंड देन गोइंग एंड देन पिकिंग इट अप एंड लुकिंग इट अप कैन वी मेक थिंग्स अ लिटल मोर एफिशेंट इशू ये है कि इस लुकअप के एग्जाम्पल के अंदर जो ऐसे या पैराग्राफ का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसको हम लेके चले और कहीं और ढूंढने लगे हैं उस ऐसे या पैराग्राफ को तो हम चेंज नहीं करना चाहते वी ओनली वॉन्ट टू लोक एट अप किसने कहा किस कॉन्टेक्स्ट में कहा इसका मतलब क्या बनता है सब हम सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उसके अल्फाज को तब्दील नहीं करना चाहते अनफॉर्चुनेटली इसके साथ जो बैगेज आ रहा है वो है कि जी पहले इतना बड़ा उसको कॉपी बनाओ और फिर कॉपी लेके आगे चलो और जब काम ख़त्म हुआ कॉपी को फेंक दो और फिर अपना ओरिजिनल काम फिर से करना शुरू कर दो दैट वॉज इन एफिशेंट बट अगर मैं रेफरेंस लेके चलता यानी उसका एड्रेस पास कर देता और अपने फंक्शन में चला जाता अब इसको लुकअप करो तो एड्रेस के साथ एक डेंजर भी साथ आता है कि जी वो पढ़ते पढ़ते मैंने कहा हाँ इसकी समझ आ गई इसकी समझ आ गई इसकी समझ आ गई और मैंने वहाँ पे लाइनें लगानी शुरू कर दी उस ऐसे के अंदर तो जब मैं वापस आया और आगे पढ़ने लगा तो पता चला कि जी मेरी ओरिजिनल किताब के अंदर भी लाइनें लगी हुई हैं पेन के साथ अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी में अगर आप किताबें उठाएं तो बहुत सारी किताबों में आपको पेन से लाइनें लगी हुई नज़र आएंगी दैट इन अ वे इज़ एग्जैक्टली वॉट हैपन्ड यू पास समथिंग बाय वैल्यू और अदर यू पास समथिंग बाय रेफरेंस एंड बाय पासिंग द रेफरेंस यू एक्चुअली पास द ओरिजिनल यानी थिंक अबाउट इट अन वे आप एक लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ से कहते हैं कि जी मुझे ये बुक ड्रॉ करने की इजाज़त दें मैं इसको घर ले जाकर पढ़ना चाहता हूँ सपोज वो बुक जो है वो वन ऑफ अ काइंड है दुनिया में एक ही नुस्खा है उस किताब का लाइब्रेरियन तो आपको कभी नहीं उस बुक को हाथ लगाने देगा कहेगा भाई उसकी कॉपी मैं आपको बना के दे सकता हूँ इस किताब को हम नहीं दे सकते क्यों नहीं दे सकते वो इस वास्ते कि अगर आप घर ले गए और आपने उसमें पेन से लाइनें लगानी शुरू कर दी तो पता चला कि जी दुनिया में एक नुस्खा था जो सन उन्नीस में लिखा था या अठारह में लिखा गया था और उसमें अब सन 2000 हजार की पेन की लाइनें लगी हुई हैं इट डैमेज द ऑरिजिनल वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट वी ट्राई टू मेक अ कॉपी बट मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ बुक बैठे रहो फोटो कॉपियर के ऊपर लगे हुए अदर देन द कॉपी राइट इश्यूज देर लगती है एफर्ट लगती है एंड इट्स अ लॉट ऑफ बॉदर और करना क्या है आपने ले जाके उसको भी पढ़ना है और फिर ला वापस दे देना है एनी वे आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल जहाँ पे आप उस किताब को करना कुछ नहीं चाहते यू डॉन्ट टू डैमेज इट यू जस्ट वॉन्ट टू रीड इट बट कैन आई सम हाउ टेक द ओरिजिनल बुक पुट इट इन साइड अ स्पेशल पॉलिथीन बैग एंड गिव इट टू यू इन सच अ वे कि आप पढ़ भी सकें और उसको डैमेज भी ना कर सकें उसके लिए वी कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ क्यों एफिशेंसी तो हमें मिल गई लेकिन अभी डेंजर मौजूद है This is actually a call by reference. reference, Original kitab original hai in a way. And if you do something to the original book, library ki book damage ho jayagi. Can we somehow prevent that from happening? And also have the efficiency of not having to make a copy. Coming back to the computer world. सपोज़ हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक स्ट्रिंग है जैसे एक हज़ार कैरेक्टर्स लंबी है और वो डेटा स्ट्रक्चर हम फंक्शन को पास करना चाहते हैं अगर तो हम उसको करेंगे पास बाय वैल्यू विच इज़ सेफ उसको ओरिजिनल स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होगा तो पहले उस हज़ार कैरेक्टर की स्ट्रिंग को मैं कहीं और कॉपी करूँगा विच इज़ नॉर्मली ऑन द स्टैक फिर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा वो वहाँ से वो कॉपी हज़ार कैरेक्टर्स की उठाएगा और फिर उसको मैनिपुलेट करेगा और जो करना है करके वापस कंट्रोल पास कर देगा और अपनी कॉपी को ज़ाया कर देगा कॉल बाय वैल्यू टू बी मोर एफिशिएंट मैं चाहता हूं कि जी वो हज़ार कैरेक्टर की स्ट्रिंग यहां ना लिखी जाए सिर्फ उसका रेफरेंस लिख दिया जाए जो अभी तक हम पॉइंटर्स और एड्रेस के साथ करते हैं सो so एड्रेस लिख दिया फंक्शन को भेज दिया उसने एड्रेस उठाया हाउ डू वी प्रिवेंट साइड इफ़ेक्ट्स रेफरेंसेज के साथ ये सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं so be very careful whenever you use references in function calls and now we have to look at can we do something to prevent any changes the way we do it is by using the const keyword const const keyword jab ap reference ke sath laga dete hain wo hai hai to ye reference to something lekin isko aap change nahin kar sakte so now we have an elegant mechanism हम कॉल बाय रेफरेंस की एफिशिएंसी ले सकते हैं बाय स्टैक के ऊपर बजाय वो हज़ार कैरेक्टर की स्ट्रिंग रखने के या पूरी एक किताब की कॉपी बना के रखने के हम एक उसका एड्रेस रख देते हैं विच इज़ द रेफरेंस फंक्शन में जाते हैं तो फंक्शन कहते हैं मुझे क्या मिल रहा है फंक्शन के प्रोटोटाइप जो है वो कह रहा है कॉन्स्ट सम इट्स यू आर गेटिंग अ रेफरेंस टू अ स्ट्रिंग और एन इंटीजर और अ डबल और वट बट इट इज़ अ कॉन्स्ट ट चेंज इट मिला उसको एड्रेस उसने आगे एड्रेस को मैनिपुलेट किया जो भी काम करना था किया लेकिन इनएडवर्टेंटली भी उसको वो चेंज नहीं कर सकता ओरिजिनल वैल्यू को सो वी गॉट नाउ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड वी कैन हैव द एफिशंसी ऑफ अ कॉल बाय रेफरेंस एंड द सेफ्टी ऑफ अ कॉल बाय वैल्यू इस सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी कुड हैव यूज द कॉन्स्ट विद एन एड्रेस ऑपरेटर एंड अ पॉइंटर बट वी कैन यूज़ अ रेफरेंस वेरी एलिगेंट वेरी सिम्पल क्योंकि फंक्शन के अंदर रेफरेंसिस को डी रेफरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई स्टार वगैरह नहीं लगता ऑर्डिनरी वेरिएबल नेम्स के साथ वो इस्तेमाल होते हैं चले आए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं क्योंकि हमने बहुत किस्म की कॉल्स की बात की तो उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है लेट्स टेक अ लुक एट दिस सिंपल एग्जांपल जहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है जो कि काफ़ी बड़ा है उसमें एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है या कैरेक्टर एरे है एक हज़ार कैरेक्टर्स की और अब हम उसको कॉल करना चाहते हैं उसके साथ एक ही किस्म का फंक्शन यानी फंक्शन एक ही होगा यानी उसका काम एक ही होगा लेकिन हम उसको कॉल तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से करना चाहते हैं एक है कॉल बाई वैल्यू विच इज़ द डिफॉल्ट दूसरा है

दूसरा जो है वो है कॉल बाय यूजिंग पॉइंटर्स तो अब जब पॉइंटर्स के साथ आप फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते हैं तो आप लिखेंगे कि जी पॉइंटर फंक्शन और फिर स्टार बी यानी बी इज़ नाउ अ पॉइंटर टू दिस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की टाइप साथ आएगी प्रोटोटाइप के अंदर और फिर तीसरा जो है तरीका वो है कॉलिंग बाय यूजिंग अ रेफरेंस वेरिएबल तो हम कहते हैं रेफ फंक्शन दिस इज़ अ रेफरेंस फंक्शन और उसके जो आर्गमेंट लिस्ट है उसमें वही स्ट्रक्चर का नाम लेकिन एंड बी यहाँ पे देखें ये फंक्शन के प्रोटोटाइप में एंड बी लिखा है उसकी कॉल में नहीं लिखा कॉल और चीज़ है कॉल में अभी हम आते हैं सो so, सिंपली जो फंक्शन की डेफिनेशन हैं अब ये तीन मुख्तलिफनस हैं वेल फंक्शन पी टी आर फंक्शन और रेफ फंक्शन इनके अगर प्रोटोटाइप देखें तो तीनों में फ़र्क नज़र आ जाता है पहले में सिर्फ स्ट्रक्चर का नाम आ गया यानी स्ट्रक्ट का जो भी टाइप है वो दे दी दूसरे में स्ट्रक्ट का पॉइंटर दिया और तीसरे में स्ट्रक्ट का रेफरेंस दिया अब आते हैं हम मेन प्रोग्राम की तरफ तो मेन प्रोग्राम कॉल कैसे करता है वैल्यू का तो सिंपल है कि जी वैल well फंक्शन और आगे स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम दे दिया वो चला गया बाय वैल्यू और इसका वही तरीका है जो मैंने बताया था कि जी स्टैक पे वो सारी वैल्यू कॉपी हो जाएगी एक हज़ार कैरेक्टर्स की फंक्शन में जाएंगे उसके साथ जो भी करना है करें फंक्शन जो है क्योंकि कॉल बाय वैल्यू हो रहा है वहां पे अगर कोई मैनिपुलेशन होगी तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होगा उसके बाद नेक्स्ट कॉल जो है वो कॉल हम हमने करनी है पॉइंटर फंक्शन को तो पॉइंटर फंक्शन को क्या चीज़ पास की जाएगी द एड्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर तो इसमें एड्रेस ऑपरेटर एंड ऑपरेटर इस्तेमाल होगा अब देखें यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है बात लेकिन देखें अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन कॉल की फंक्शन कॉल के अंदर हम कहेंगे पी टी आर फंक्शन और फिर आगे एंड बी अगर बी हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है यानी उसका एड्रेस हमने पास किया है एफिशिएंसी सिर्फ एड्रेस टैग पे लिखा गया फंक्शन कॉल हुई उसने एड्रेस उठा के ओरिजिनल वैल्यू उसको मिल गई और तीसरा जो है वो है रेफरेंस फंक्शन उसकी कॉल जो है इज़ नाउ सिंपल इट लुक्स लाइक द कॉल बाय वैल्यू इसमें कोई ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं होगा नहीं होगा रेफंक बी और इसी वास्ते मैंने पहले बताया था कि यू कैन नॉट ओवरलोड दैट यानी रेफ फंक और वेल well फंक के नाम डिफरेंट होने लाजमी है. हैं दे के नॉट बी द सेम नेम बिकॉज अदरवाइज द कॉल्स लुक डिफरेंट एंड बिकम एम्बिगस दूसरे दोनों जो ऑल्टरनेटिवस हैं यानी पॉइंटर कॉल और रेफरेंस कॉल क्योंकि ये रेफरेंस भेज रही हैं ओरिजनल स्ट्रक्चर को दे आर डेंजरस इफ यू वॉन्ट टू प्रिवेंट द फंक्शन फ्रॉम चेंजिंग दैट तो फिर आप कॉन्स्ट के साथ उसको डिफाइन करेंगे यानी प्रोटोटाइप में आप लिख देंगे या कॉन्स्ट पॉइंटर आ रहा है या कॉन्स्ट रेफरेंस आ रहा है देन द फंक्शन कैन नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल वैल्यू इट कैन ओनली रीड इट सो वी गेट द एफिशंसी ऑफ द कॉल बाय रेफरेंस बट द सेफ्टी ऑफ अ कॉल बाय वैल्यू सिंपल इनफ इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह स्टडी कर लें इसको लिखें और चलाएं एंड मेक श्योर दैट इट वर्क्स so what is the difference between references and pointers? it's important to know. in a way reference जो है ये भी उस दूसरी चीज या data entity का address ही रख रह रहा है, but it's not really an address. it's a synonym. it's a different name for the entity. reference जो है जैसे ही हम उसको declare करते हैं उसी वक्त उसको initialize करना पड़ जाता है. it has to point to something legal. कोई डेटा टाइप कोई डेटा वैल्यू एग्जिस्ट करती हो उसका रेफरेंस बनाया जा सकता है आप सिंपली अकेला खड़ा हुआ रेफरेंस नहीं बना सकते अ रेफरेंस कैन नॉट बी नल के दैट इज़ अ रूल सो इमीजिएटली वेन यू डिफाइन अ रेफरेंस यू हैव टू डिक्लेयर इट ये रूल फंक्शंस पे अप्लाई नहीं होता फंक्शन की जब आर्गूमेंट लिस्ट लिख रहे हैं आप कह रहे हैं कि जी मुझे फंक्शन एक इस फंक्शन के अंदर मुझे एक रेफरेंस मिलेगा वो रेफरेंस जो है वो कॉलिंग फंक्शन ने पास कर देना है सो so, यहाँ पे इनिशलाइज नहीं करना लेकिन अगर मेन प्रोग्राम के अंदर आप रेफरेंस डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन के साथ ही उसको इनिशलाइज करना पड़ जाता है रेफरेंस एक दफ़ा इनिशलाइज हो गया तो उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स ए रेफ आई इज़ अ रेफरेंस टू एन इंटेजर हम प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हैं इंट And ref i equals j, where j is an integer that we have already declared. So we have declared a reference and initialized it automatically immediately. Suppose we had another integer called k. Program mein chal ke aap nahin nah sakte ke ref i is equal to k. Once it is defined, it is defined, it now will always refer to the same integer location as j. सो मेमरी में एक ही जगह को पॉइंट कर रहा होगा यू कैन प्रूव दिस बाय प्रिंटिंग आउट द एड्रेस ऑफ द इंटिजर वेरिएबल एंड द एड्रेस ऑफ द रेफरेंस दैट इट पॉइंट टू डू इट इट विल बी इंटरेस्टिंग। यही एग्जाम्पल ले लें ऊपर इंट आई और फिर लिखें इंट रेफ आई इक्वल टू इंट एंड रेफ आई इक्वल टू आई So you've declared an integer and you've declared a reference to an integer and initialized it to point to the same place as i Now in dono Chiismoke address ko print out karai using c out how do you get the address you use the address of operator which means the and sign so we say c out less than less than the address of the reference is within quotes here stream insertion operator is or age and ref i. सो एंड रेफ आई कह रहे हैं कि जी इस रेफरेंस का एड्रेस बताओ वो देखेंगे कोई हेक्साडेसिमल नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा साथ ही नेक्स्ट लाइन पे आप एंड आई को प्रिंट कर लें सी वॉट हैपन्स आर दे द सेम वैल्यू आर दे डिफरेंट वैल्यूज थिंक अबाउट इट आई वोंट गिव यू द आंसर डू इट योर सेल्फ एंड फाइंड आउट एंड देन थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ लॉजिकल परस्पेक्टिव डज इट मेक सेंस एक हमने रेफरेंस यू हैज सेनाम डिक्लेयर किया एनदर नेम फॉर अ वेरिएबल

यू वोंट वॉन्ट टू यूज़ दैट इन योर प्रोग्राम कि कहीं पर आई इस्तेमाल हो रहा हो और कहीं पर रेफ़ आई इस्तेमाल हो रहा हो और दोनों काम एक, एक ही वेरिएबल को मैंने प्लेट कर रहे हों सब से ज़्यादा इसका यूजेज जो है वो यही है जो मैंने अभी आपको फंक्शन के एग्जाम्पल के साथ बताया कि जी कॉल बाई रेफरेंस को एक नाइस nice, एलिगेंट और क्लीन इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करना सो यू कैन यूज़ द रेफरेंस वेरिएबल्स जो हैं, वो फंक्शन कॉल्स के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वॉट एल्स कैन वी डू विद रेफरेंस वेरिएबल वेल अ फंक्शन इट सेल्फ कैन रिटर्न रेफरेंस हाउ डज दैट डू दैट उसकी डिक्लेरेशन लाइन क्या होगी सपोज हमारे पास एक फंक्शन है और वो एक इंटीजर का रेफरेंस वापस भेजता है सो so उसकी डिक्लेरेशन वुड बिकम इंट एंड फंक्शन नेम और फिर आगे पैरथिस के अंदर उसकी पैरामीटर लिस्ट दैट मीन्स द फंक्शन रिटर्न रेफरेंस टू एन इंटजर किया जा सकता है लेकिन इसके अंदर भी डेंजर्स हैं डेंजर यह है, है कि जी अब आपको आपको रेफरेंस की डेफिनेशन तो पता चल गई कि जी इट पॉइंट्स टू सम मेमोरी लोकेशन इट्स लाइक अ पॉइंटर बट मोर रिस्ट्रिक्टेड जैसे ही डिक्लेयर होता है इसकी वैल्यू असाइन हो जाती है जब फंक्शन के अंदर आप रिटर्न करेंगे वैल्यू तो वो वैल्यू विल बी अ रेफरेंस टू सम मेमोरी लोकेशन वो मेमोरी लोकेशन अगर तो, तो फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल था यानी फंक्शन के अंदर हमने कहा इंट एक्स और एक्स को रिटर्न कर दिया वेन द फंक्शन रिटर्न एक्स डाइज एक्स मर जाता है इट डजेंट एग्जिस्ट आउटसाइड द फंक्शन बट वॉट यू डन इज उस मरे हुए वे 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 वेरिएबल का रेफरेंस हमने कॉलिंग प्रोग्राम को भेज दिया In other words, the calling program now has a reference variable that points to nowhere. Because the this cheese ka reference we sent doesn't exist. Karti hi hai. This is called a dangling reference. So be careful when you use something like a function returning a reference. When can it you have a global variable, ho, तो ग्लोबल वेरिएबल का रेफरेंस जो है वो फंक्शन वापस भेजेगा तो वो ग्लोबल वेरिएबल तो एग्जिस्ट करता है फॉर द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम या कोई स्टैटिक वेरिएबल हो स्टैटिक वेरिएबल्स भी जो हैं वो पहली दफा क्रिएट हो जाते हैं और फिर दे एग्जिस्ट फॉर द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम दे डोंट डाई सो उनका रेफरेंस वापस भेजना इज ऑल राइट बट डू नॉट रिटर्न अ रेफरेंस टू अ लोकल वेरिएबल अदरवाइज यू विल हैव अ डेंगलिंग रेफरेंस सम कंपाइलर्स विल कैच इट मोस्ट विल नॉट क्योंकि जो फंक्शन है जो रिटर्न कर रहे हैं रेफरेंस वो अलहदा से डिफाइन हो रहा है उसको नहीं पता चलता कि ये ग्लोबल है लोकल है किस चीज़ का है बिकॉज यू कुड डू मेनी मैनिपुलेशन इन दैट फंक्शन एंड देन रिटर्न इट बट नॉर्मली कंपाइलर्स विल कैच दिस टाइप ऑफ एरर यू हैव टू बी केयरफुल लेट अस टेक अ लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन रिटर्निंग अ रेफरेंस ताकि आपको थोड़ी सी बात क्लियर हो जाए हम पहले एक डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल वेरिएबल इन इंटीजर कॉल्ड माइ नाम

नाउ वी कैन राइट अ मेन फंक्शन जहाँ पे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम करने लगे हैं आई कैन राइट समथिंग लाइक माई नाम इक्वल टू वन हंड्रेड ठीक है जी ग्लोबल वेरिएबल था यहाँ पे अवेलेबल है उसको वैल्यू वन हंड्रेड असाइन हो गई अगर मैं कहूँ कि जी इंट आई इक्वल टू माई फंक्शन उसका नाम है नम तो इंट आई इक्वल टू नम विद बरेंथसिस तो What happens is a reference to myNum is returned. I would want k reference ko reference ki assign karein, but you can use it as an ordinary variable. So i cover value assigned ho jati hai. Now look at the next line, which is very interesting. I say num parentheses, which is a call to that function returning a reference to an integer. So num parentheses equals 200 semicolons.

Function call is on the left hand side of the assignment operator. Is that valid? In this case, it is valid because this function called num is returning a reference to a global variable. If it returns a reference, it means it is a synonym, it is like writing my num equals 200. I have many examples that this can also be hai, but as you will agree. Totally confusing and a bad idea. Yeh kaam na karein. Pehle maine kaha simple reference variables bhi istamaal karna unless you have a real need for using two names for the same data. Don't do it. Same thing over here. You can put a reference returning function on the left hand side of an assignment statement but it's confusing and a bad idea. Don't do it. Where are references useful?

उसको इंक्रीमेंट कर लेते हैं उसको डेक्रीमेंट कर लेते हैं उसको री असाइन कर लेते हैं एक इंटीजर पॉइंटर जो है वो पहले किसी इंटीजर को पॉइंट कर रहा होता है बाद में उसको री असाइन करके किसी और इंटीजर को पॉइंट करने लग पड़ते हैं रेफरेंसेस ये काम नहीं कर सकते आप रेफरेंस को इंक्रीमेंट in, uh, नहीं कर सकते आप रेफरेंस को आपस में कंपेयर जो है रेफरेंस को वो नहीं करते आप रेफरेंसिस को री असाइन नहीं कर सकते सो मेजर यूजेज is इन implementing अ कॉल by रेफरेंस अब थोड़ा सा आगे का मैं प्रीव्यू दे दूं कि रेफरेंसेस ने फिर आना है हमारे पास और काफ़ी ज़ोर शोर से आना है पहले थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जो बातें हैं उनको हम क्लियर करते चलें एंड साइन हमने इस्तेमाल किया है फॉर डिक्लियरिंग अ रेफरेंस हाउ डू यू नो सिंपली कोड को पढ़ते हुए हाउ डू यू फाइंड आउट कि ये जी रेफरेंस की बात हो रही है या एड्रेस लिया जा रहा है सिंपल रूल अगर डेक्लरेशन लाइन के अंदर रेफरेंस का सिंबल यानी एंड सिंबल नज़र आए तो दैट इज़ द डेक्रेशन ऑफ अ रेफरेंस सो यू विल से इंट एंड आई डबल एंड एफ चार एंड सी एंड थिंग्स लाइक दैट यानी दीज आर लेफ्ट साइड पे आपको डेटा टाइप नज़र आई डेटा टाइप के बाद आपको रेफरेंस का सिंबल विच इज़ द एम्पस एंड वो नज़र आया और फिर रेफरेंस का नाम विच इज़ द वेरिएबल नेम वो नज़र आएगा जब भी आपके पास कोड में सिंपली एंड आई लिखा हो यानी आगे इंट डबल वगैरह नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स अब आप एड्रेस ले रहे हैं सो इट्स अ सिंपल रूल वेन यू हैव अ डेटा टाइप फॉलोड बाय एन एम्पर्स एंड साइन वो रेफरेंस है जब आपके पास एम्पर्स एंड साइन कोड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है विद अ नेम ऑफ अ वेरिएबल तो ये उसका एड्रेस लिया जा रहा है सो इट्स एन ईजी वे ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग द टू नाव लेट्स गो टू द प्रीव्यू देखें सी में भी और सी प्लस प्लस के अंदर हम काफी चीजें इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी सेमिकोलम हाउ डज दैट होल स्टेटमेंट वर्क वी नो कि होगा क्या के जो सी की वैल्यू थी वो बी को असाइन हो जाएगी और फिर वही वैल्यू जो है वो ए को असाइन हो जाएगी डू वी अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स हाउ दिस वर्क इज एस फॉलोज सी एंड इन सी प्लस प्लस हर स्टेटमेंट जो है एवरी स्टेटमेंट इट इन इट रिटर्न्स अ वैल्यू थोड़ा सा इस बात को सोच ले, स्टेटमेंट भी अब वैल्यू रिटर्न कर रही है यानी स्टेटमेंट बजाते खुद की वैल्यू है वो वैल्यू क्या है नॉर्मली द वैल्यू इज दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड सो वेन वी राइट ए इज इक्वल टू बी बी की वैल्यू ए को असाइन हो जाती है और ए की जो वैल्यू है दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट देर फोर वेन वी राइट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तो पहले बी इज इक्वल टू सी एक्सीक्यूट होता है सी की वैल्यू बी में आ जाती है सिंस दिस वॉज इन इट सेल्फ अ स्टेटमेंट स्टेटमेंट को बी की वैल्यू मिल जाती है सो ए इक्वल टू जो है उसको क्या चीज नजर आती है स्टेटमेंट की वैल्यू विच हैपन टू बी बी

जो है वो रिटर्न वैल्यू जमा हो गए वॉट हैपन्स और ये आप चीज़ इस्तेमाल करते आए हैं लेकिन अब थोड़ा सा उसको सोचने की बारी आ गई वॉट हैपन्स वेन वी राइट समथिंग लाइक सी आउट लेस दैन लेस दैन कोटेशन मार्क्स के अंदर द वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज फिर लेस दैन लेस दैन आई लेस दैन लेसन एंड एय एंड ऑफ लाइन सेमीकोलन क्या हो रहा है यहाँ पे वॉट वी गॉट इज एक्सट्रीम राइट वाली जो चीज़ है वो एक्सीक्यूट हो रही है फिर नेक्स्ट हो रही है फिर नेक्स्ट हो रही है या द अदर वे सी आउट चल रहा है वेल वी नो कि जी नज़र क्या आएगा स्क्रीन के ऊपर पहले आएगा द वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज़ और फिर आई की वैल्यू आएगी और फिर न्यू लाइन आएगी सो इट इज़ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेकिन सी आउट को जब पहला हिस्सा मिला विच इज़ द स्ट्रिंग सिंग द वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज तो ये एक सी की स्टेटमेंट है ये जब एक्सीक्यूट होती है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटेजर इज जो है वो तो स्क्रीन पे आ गया लेकिन इसकी वैल्यू क्या बनेगी इसकी जो भी वैल्यू बनेगी हैज टू वर्क विद द फॉलोइंग लेस देन लेस देन आई साइन जो भी लेस देन लेस देन इसके बाद आ रहा है उसके साथ इस वैल्यू ने काम करना है और ये जो डबल लेस देन साइन है इसके साथ क्या चीज काम करती है अभी तक हमें यह पता चला कि वहां पे सी आउट होना चाहिए सो एक्चुअली वॉट हैपन इज कि वेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सिक्यूट वेन इट बिकम सी आउट डबल लेस देन द वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज ये जब एक्सीक्यूट होती है तो सी आउट रिटर्न होता है और सी आउट रिटर्न होने के बाद उसको फिर क्या नजर आता है डबल लेस देन आई आई की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है फिर क्या रिटर्न होता है सी आउट रिटर्न होता है और फिर डबल लेस देन के बाद एंड एल आ रहा है तो एंड लाइन एक्सिक्यूट हो जाती है और पूरी स्टेटमेंट जो है उसकी रिटर्न वैल्यू फिर भी सी आउट ही रहती है दिस इन फैक्ट सी आउट इज अ स्ट्रीम इट हैव अ वैल्यू पर से वॉट इज बींग रिटर्नड इज अ रेफरेंस टू दिस स्ट्रीम और वो रेफरेंस यही है जिन रेफरेंसेस की हमने आज बात की यही चीज़ अप्लाई करेगी

टाइप ऑफ डेटा इंटेजर का सिनोनेम ले लें डबल का ले लें यानी इट्स अ सेकेंड नेम फॉर अनादर वेरिएबल उसके बाद मैंने आपको कुछ डूज एंड डोंट्स का बताया और यह कहा कि जी नॉर्मली वी डू नॉट वॉन्ट टू यूज टू नेम्स फॉर द सेम वेरिएबल इट्स अ बैड आइडिया इट लीज टू कंफ्यूजिंग प्रोग्रामिंग बट देन वी फाउंड द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ यूजिंग अस कि अगर कॉल बाई रेफरेंस इंप्लीमेंट करना हो फंक्शन के साथ So, using a prototype of the function which says that i references mil rahe leads to very clean programming. You use the names of the variables without having to use any dereferencing operators like star. So, the most useful part is implementing a call by reference. Then we went on and we looked at a slight difference between pointers and reference variables, and I would suggest that you read this कि रेफरेंस वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट नहीं किया जा सकता उनके साथ अरिथमेटिक नहीं की जा सकती बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेफरेंस वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशलाइज्ड वेन दे आर डिक्लेयर्ड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है आप पॉइंटर डिक्लेयर करके जब मर्जी उसको वैल्यू असाइन कर लें एक जगह पे इसका एक क्वर्क आता है कि क्लास class, हम क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट्स आई होप आप भूल नहीं गए आज के लेक्चर में वहां पे अगर रेफरेंस डिक्लेयर करें तो फिर क्या होगा दैट वी विल कवर लेटर उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा एक प्रीव्यू दे दिया कि रेफरेंसेस का इस्तेमाल कहाँ पे आएगा और उस प्रीव्यू देने के अंदर मैंने आपको कुछ नई चीज़ें जो हैं वो बताई हैं वो है कि हर स्टेटमेंट जो है वो बजात खुद एक वैल्यू रखती है और वो वैल्यू रिटर्न होती है इस्तेमाल करें या ना करें इज़ अ डिफरेंट इशू यानी इफ़ यू कॉल अ फंक्शन ऑन अ सिंगल लाइन वी सफ़ परसिस सेमी कोलन तो मे बी एफ रिटर्न द वैल्यू हमने इस्तेमाल नहीं की नॉट अ प्रॉब्लम इसी तरीका से इफ़ इसे ए इज़ इक्वल टू बी सेमीकोलन तो दिस स्टेटमेंट इट सेल्फ हेज़ अ वैल्यू वेदर वी यूज इट और नॉट इज़ अ डिफरेंट इशू और इस आर्गूमेंट को लेके मैं आगे चला और सी आउट की मदद से आपको बताया कि जनाब सी आउट के साथ जब हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं और एक दो तीन मुख्तफ़ चीज़ें प्रिंट कर रहे होते हैं तो हर एक्सिक्यूशन ऑफ सी आउट एक्चुअली रिटर्न अ वैल्यू दैट वैल्यू हैपन्स टू बी अ रेफरेंस टू सी आउट इट सेल्फ इट बिकम्स अ रेफरेंस टू दिस स्ट्रीम और ये रेफरेंसेस कैसे डिफाइन होंगे कैसे डिक्लेयर होंगे ये हम आइंदा लेक्चर्स में कवर करेंगे जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर बात करेंगे सो रेफरेंसेस रिविजिट होंगे एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मोमेंट आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ प्रोग्राम्स लिखें और पॉइंटर्स की जगह पर रेफरेंसिस की मदद से आप कॉल बाय रेफरेंस इम्प्लीमेंट करके देखें सो टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़